गाइज हूँ करीब शाम का टाइम हो गया 7 बज गए तो अं अज ग्राउंड आए थे ही तो बच्चे थोड़ी जी मूवमेंट तुम दिखाती छोटा जहा ब्लॉग 2-2.5 मिनट का तुम दिखा दें अच्छ हूँ फिर तीनों जने जी रिहान स्लो ट्रैक न ठीक है करनी हैगी रिशु ठीक है आराम नाल ही रनिंग करनी है ठीक है बता जोर नहीं लाना एने 2 चक्कर लगा लिया तो 2-2 तुम होर लगा लो ठीक है चलो गो चलो पुत्र तो गाइज ग्राउंड चाहना भी जोड़ा बहुत कंपलसरी जिस तरह खाना खाना कंपलसरी है तो तीनों जाने चल गए हम ट्रैक पर यह पूरा राउंड हूँ घूम के तुम मैं दिखा दिना माड़ा जहा पूरा राउंड करीब करीब 400 to 500 meters का हैगा इतों वापसी करे गाइज आज संडे सीगा तो संडे होने करके अज करीब थोड़ा टाइम सत्संग चले गए फिर आके 1 घंटा सौ गए सौ तो बाद 3 to 5 बजे तक दोनों बच्चों को पढ़ाया सीगा थोड़ा तो पढ़ाना भी जरूरी है तो हुण ग्राउंड में ले आए हैं इन्हों हुण कोशिश करनी हैगी है भी ये चंगी तरह थक जाण जाके जल्दी सौ जाण जल्दी सौन के जल्दी उठ जाणगे क्योंकि सवेरे इन्हें 7:30 स्कूल फिर दोबारा जाना है तो गाइज है हार्दिक तो रिशु अपना ट्रैक कंप्लीट कर रहे और पिछे आ रहा है ग्रीन टी शर्ट वाली लड़की के पिछे आ रहा रिहान सुखमीत और हार्दिक का तीसरा ट्रैक है रिशु का सैकेंड है और रिहान क्रिकेट खेड के थक गया वह तो ये फर्स्ट ही है थक गया हाँ रिहान पानी ज़्यादा पी लिया पानी थोड़ा ज़्यादा पी है रनिंग दोपहर चल अपनी बोतल ले ला फिर तू ठीक है तू चलो तो गाइज रिशु आ बैठा होया तो हार्दिक तुम देखियो हार्दिक चला गया रेड टी शर्ट वाले लड़के दे लागो रनिंग कर रहे हैं गाइज जेडे भाई साहब इतने डेली रनिंग करते हैं वो काफ़ी अच्छे एथलीट है वो कह रहे भी हार्दिक जेडे तरीके नाल रनिंग करता जो उहदा दौड़न का तरीका हैगा वो प्रोफेसनल हैगा आ तो उन्होंने थोड़ा जिहा मोटीवेट करो तो मैं तुहानू दस दिना वाकई दा तरीका जिहड़ा थोड़ा प्रोफेसनल हैगा वा गाइस तुम वेख सकते हो तरीका जोड़ा बिल्कुल अथलीटा वाला हैगा या रनिंग करन दा गुड 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 वेरी गुड इधर रिहान भी क्रिकेट खेल रहा जो हार्दिक तुम वेख सकते हो फिर दोबारा एक बार दूरों विखा रहा कैमरा थोड़ा जूम करके और नाल रिहान भी है ये गाइज कह रहे हैं भी थोड़ा हार्दिक का जो स्टाइल है उन्होंने थोड़ा मोटीवेट करो मैं पिछले करीब 1 हफ्ते तो ग्राउंड रेगूलर आ रहा वा तो बच्चों भी डेली लिया रहा साथ अपने तो कोशिश करी दी है बाकी रब रखा आ तो गाइज इतने सुखमीत यानी कि रिहान तो रिशु पुशअप्स ला रहे हो गुड गुड वेरी गुड तो गाइज यह भी एक अच्छा तरीका है एक्सरसाइज का स्लो स्लो वेरी गुड वन अप बस तो गाइज हार्दिक इधर आ गया अपना इन्हें अपना 5th चक्कर ला लिया गाइज वो जो 5th चक्कर हैगा ना ये करीब करीब 500 meters 600 meters इन बिटवीन ट्रैक हैगा जो मैं पूछा हूँ नहीं अजे भी अच्छे ढंग रनिंग कर रहा बस कर हार्दिक बस बेटा थक गया बच्चा हैगा ना वेरी गुड थकिया तो नहीं तो हार्दिक फिर कोशिश कर रहा भी मैं होर कुछ कर लवा हूँ हार्दिक तेने किन्ने राउंड हो गए 5 राउंड लगा ले तू अज वेरी गुड ठीक है नहीं हूँ नहीं लगाना है क्रिकेट भी खेली ही ना फिर कल ठीक है बाकी गाइज हूँ रिहान हार्दिक तो क्या हूँ ग्राउंड के अंदर एक ग्रास के उपर छोटा जहा एक रनिंग करे ठीक है स्लो जाना वा ठीक है तो गाइज तेरा नहीं दिल किया क्योंकि ये थोड़ा दर्द हो रही है ये स्लो स्लो 1 चक्कर होर चले गए है मच्छर भला किन्ना हो गया तो गाइज रिहान क्रिकेट का शौकीन है तो फुटबॉल का कल फुटबॉल लैके आए थे परसों लैके आए थे कल क्रिकेट के बॉल लैन दी इन्होंने
ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਰੀਬ 7:30-7:15 ਦਾ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ। 5 ਨਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਲਾਇਆ ਵੇਰਕੇ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਰਦਿਕ? ਮਿੱਠੀ ਵਾਲੀ ਲੱਸੀ ਪੀਣੀ ਨਮਕੀਨ ਵਾਲੀ? ਮਿੱਠੀ ਵਾਲੀ ਲੱਸੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਕਾਨਵਾਨ ਚੌਂਕ 'ਚ, ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਸਹੁਰਾ ਦੀ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਘਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਾਲਾ ਰੋਡ, ਇੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਰਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੱਸੀ ਚੱਲੀਏ। ਅਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਥੱਲੇ ਗਈ ਹੋਈ, ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੇ ਪੂਜਾ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਗਈ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿਚਨ ਦੀ। ਟਾਈਮ ਅਜੇ ਕਰੀਬ 7:30 ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਲੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਗਾਈਸ ਪੂਜਾ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਘੀਏ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਆ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਦੋਨੋਂ? ਅਤੇ ਗਾਈਸ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਏ ਸੀਗੇ? ਠੀਕ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ? ਅਤੇ ਗਾਈਸ ਧੋਤਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ, ਲੱਸੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਗਾਈਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਬਲੌਗ, ਕਿਹਦਾ ਬਲੌਗ ਹੈ? ਵੀਰ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਨਾ ਅੱਜ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਰਦਿਕ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹਸਬੈਂਡ ਅਤੇ ਵਾਈਫ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਰਨਿੰਗ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁੱਡ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਡ ਜੈਸਚਰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਵੈਸੇ ਵੇਖ ਕੇ। ਗਾਈਜ਼ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਲੌਗ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਲਈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅੱਜ ਬਲੌਗ, ਅਤੇ ਬਲੌਗ ਜੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਬਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਐਕਚੁਲੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸਟੇਟਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਟੋਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲੌਗ ਹੀ ਬਣਾਤਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਬਲੌਗ ਇੱਦਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇੱਦਾਂ ਬਲੌਗ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਦੱਸਿਓ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ।